रिश्वत दे दूंगी तो वो तुम्हें खुशी खुशी अंदर जाने देगा। एक बार मेरी मम्मी ने भी अपने आप को ऐसी ही स्मार्टली बचाया था, वो देखो। अरे अरे थांबा थांबा मैडम, इतना काही काही को सिग्नल दिसत नाही का तुम्हाला? लायसन्स दाखवा, गाड़ी का पेपर्स निकालो, पेपर्स। ओ नो, लायसन्स और गाड़ी के पेपर तो मेरे दूसरे पर्स में ही रह गए हवलदार साहब। काय, मी तुम्हाला हवलदार दिसतोय का? चला फाइन निकालो फाइन अभी। अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे जाने दीजिए ना, पीटी को ट्यूशन ले जा रही थी इसलिए दूसरा पर्स ले आई। वो सब मुझे नहीं मालूम, चालान तो कटेगा मैडम। सर, ये 100 रुपए बच्चों की मिठाई के लिए रख लीजिए और प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा, बराबर, इस बार छोड़ देता हूँ, आगे से रूल नहीं तोड़ने का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जाओ दो मैडम ला, चला चला चला। ये हम कैसे दुनिया में जी रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि हम अपने चारों तरफ अंधकार फैला रहे हैं? एक महान व्यक्ति ने कहा है कि We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. आप हम बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि हम अच्छे बने, और आप, आपका क्या? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या आप हम बच्चों को झूठी अंधेरी दुनिया देना चाहते हैं? क्या आप हमें भी इस सड़ते गलते समाज का हिस्सा बनाना चाहते हैं? नहीं चाहिए हमें ऐसी दुनिया, ऐसा समाज। हम चाहे तो एक नई रोशनी ला सकते हैं, हम चाहे तो ये कड़वाहट मिटा सकते हैं, हमें ही करना है। हम चाहे तो इस दुनिया को बदल सकते हैं। आइए हम अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बने, अगर चाहते हैं कुछ सही होना तो खुद हम सही करें। अच्छा नागरिक बनना है तो पहले हम अच्छा करें। आइए आज हम सब एक वादा करें, अपने बच्चों से, अपने आप से, खुश रहना है तो खुशियाँ फैलाएं, अच्छाई चाहिए तो कुछ अच्छा हम भी कर जाएं।